जंगलों में जो डाकू छुपे हुए हैं ये उनका काम है। डाकुओं के लिए जंगल को कटवाया जा सकता है, आग लगवाई जा सकती है। मीरम से मैं बहुत मजबूत हूँ, आपसे मदद लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि मामला ऊंचे अफसरों या हुकूमत तक जाए बात को खत्म कर दें। देखो वो हमारे मेहमान है, वो चाहते तो उनको इधर से अगर हमारा तबादला हो गया हो सकता है आपको मुश्किल पड़ जाए, इसलिए कोई तनख्वाह कोई इनाम तो हमारे हिस्से में भी आने दे सकते। इसके लिए मेरे पास और भी समंदर खान भी ये सब तरीके जानता है। देखें बात को वक्त पर तक जा सकती है, उसको जरा मेरे सामने आने दो। तो चार वक्त शक्ति को देख सकती सब जल्दी की मतलब नहीं मैं उसे ले आता हूं। समंदर खान खुद इतना बड़ा मुश्किल है, उसके हाथ की भी जाता सर किस किस पर हाथ डाले, हमें तो नौकरी करनी मुश्किल पड़ रही है। चलो तुम ये बयान लगवा दो कि डाकू के लिए ठीक है, फोन पर रास्ता रखूंगा, एक दूसरे की मदद से काम चलता है। चलो आगे कुछ तो ठीक है, बिल्कुल जल्दी मैं बता रहा हूँ क्या किस्सा हुआ, ऐसे ही अंदर हो गए। कुछ समझ नहीं आई क्या तुम समर का मैं बुखार तो रिसर्च करने के लिए गए थे बोल दो दिन बस ये संजीव सर के एक पैकेज में लगा दिया। आओ आज तुम बता रहा है ज्यादा कुछ सुन सॉरी मैंने कोशिश तो की थी लेकिन जो होना है तुम्हें छोड़कर अपनी बेटी को देने के आपका ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ इस बात है तो दोबारा जल्दी कर दिया है। चले तो बहुत ही अच्छा होगा।
मुख्तार वहां से जो टूटे हमारे फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, तुम तो मिले होगे वहां उनसे? जी हाँ। मैंने फोन किया था, मगर आप जो जवाब देंगे और जवाब देने के लिए अल्लाह करे कि मैं किसी बारे करेंगे कुसुम का सवाल खुदा सदा सलामत रखे, क्योंकि ये मुझे आप से नहीं मिलती कि वो हमारे से कैसे करेंगे। जाने से पहले उसने कुसुम को बताना तक कहा कि कोई आदमी जब ऐसा करेगा तो जाहिर है उसके दिल में चोर होगा। उसके दिल में कोई चोर नहीं है, वो अपने बच्चे को नहीं है, उसका कोई वास्ता ना रहे। इसका फैसला तो आप कुछ सुन करेंगे। कुसुम नजर नहीं आई, कहा है वो? गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है। किसके पास गई है? मेरी डॉक्टर के पास गई है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। बड़े खान साहब को सुनाऊंगी ये खबर तो बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, क्या कर डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? आंटी बात यह है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इतनी मन को मुरादा से तो दिन आया है। मुराद तो अरबाद लेकर बेटियों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। जब वास्ता नहीं तो वहां क्यों लेने गया? वो उसका अपना खून है, और अगर बेटी के साथ उसकी माँ भी आ गई तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसको पहले से ही अकाब छोड़ चुका है। चिड़िया भी अपने बच्चे पर आसानी से बांस को झपटने नहीं देती, तो फिर इंसान है बेटी। हर बाप गया है ना तो अपनी बच्ची को ही लेकर आएगा। आंटी अब तो अरबाब के आने पर ही फैसला होगा। हाजी साहब ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। वैसे डॉक्टर साहब आप भी मुझे धमकाने आए या समझौता लेकर आए? मैंने कोई मुश्किल से समंदर खान को मुजाकरात पर राजी किया, तो आपसे बातचीत करना है। अच्छा, तो ठीक है। वैसे मुजाकरात का वक्त आ गया है, अगर डॉक्टर साहब कोई ऐसी वैसी बात ना हो, मेरी पुलिस यहाँ मौजूद होगी। आप बेफिक्र रहे एस एस पी साहब, मैं पूरा प्रोटोकॉल दूंगा, बराबर की इज्जत दूंगा, हाथ उत्तराजन करूंगा। ठीक है, पल्ला मछली कैसे बाई दबी उसकी और क्या क्या शौक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बॉर्डर का बहुत बड़ा व्यापारी, मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है उसको। जी सर, मामले को लंबा ना करें, बस बातचीत से मामला तय करें। चलो, जैसे आप कहते हैं वैसा ही आप करेंगे। आप बिल्कुल देखें सही, वो डॉक्टर और लड़की की तरह मुझे लगता है कि बाप अब उन तक भी जा सकते। देखो एस एस पी साहब, अब आप मेरे इतना करीब भी मत पाओ कि मेरी कमर भी आपके साथ है। ओके सर, मैं चलता हूँ। 3 दिन की मोहलत मिल सकी है मुझे।
मेरे साथ होगा हमारा वर्ण हो तो पशुओं का सलाह जरूर है। संगठन जी तो पीड़ित पीड़ित की तरह है, यहाँ तो मस्त मलंग है, हिमालय होती है काफी जाते हैं। सर मैं तुम्हारे पास चलता रहा जो आपकी जलवायु होता है तो नुकसान से उल्लास का नहीं आपको कभी होता है। हाँ ये बात तो है लेकिन फिर उस बात अभी आप लंबा सफर करके आए हो, लस्सी पानी लस्सी को और पतला नहीं करना चाहिए, पैसा ना करना चाहिए। तो आपने क्या फैसला किया? अगर फैसला इस तरह होना है कि हमारा रेफर का मुंह कितना बड़े और तुम्हारे बंदूक की गोली कितना पूछ जाता है तो फिर समझो कि आज पता हुआ है। अगर इस पर कोई निकाल कर नहीं करना चाहते हैं या इसकी प्रत्येक गाय के सपोर्ट दे सकते थोड़ा मुझे समझा नहीं था बताओ ये आप किसी को बताइए ऐसा नहीं आप किसने भी लगाई है निशानी तो उसी को हम पता लोग पता मरना मरना और लाख लाख सब नहीं लगता है हम तो बहुत लगता है पड़ता क्योंकि हम अंदर से स्कीम है मैं ऐसा बात नहीं मेरे कह जो दिल को शांत रखकर बात करो ऐसा नहीं बात करो तुमने कभी शिकार खेला फिचर बचर का शिकार नहीं किया जो किसी से शिकार न हो उसका शिकार नहीं तुमसे मिलकर खुशी हुई था देखो मैं तुम्हारे पास चल रहा हूँ कि गोली की जबान में बात करूँ अगर गोली की जबान में तुम बात करना चाहते हो तो हो हम भी चाहते हैं लेकिन तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों के लिए हमारे सवाल है ऊंचे बोलो क्या चाहते हो मेरे सवाल हम तुमसे तुम क्या चाहते हो खान हमारा आदमी गया पर हम तुम्हारे आदमी ने हमारे डेरे पर हमला कर रहा है उसका तो मन कर लेता ऐसे कानून में तावान लेते हो ये तो हमारा सवाल तुम्हारी तरफ ज्यादा बनते ये उनकी बात और हम ये कर तुम्हारे पास अगर तुम अपने आदमी चाहते हो तो फिर लड़की तुम खुली नहीं होगा ये नहीं होगा राम जो तुम चाहते हो तुम इनकार कर रहे हो इस अंजाम तुमको मालूम नहीं है राम अंजाम से बुजदिल करते हो राम बुजदिल नहीं है आज अगर तुम हमारे घर पे नहीं होते ना तो जैसे तुम नहीं सीधे सीधे तुम और वाला दुकान खोलने का इरादा है क्या? ये मैं ताजा पीने से अरे बाहर मालूम ये कह रहे थे कि तुम उस पर पापा मामा हॉस्पिटल में नहीं है क्या क्या कह रही हो तुम अच्छी तरह देखा था हाँ मैं दोबारा हॉस्पिटल गई थी वो वहां नहीं है हो सकता है डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी हो नहीं मैं डॉक्टर से भी मिली थी उसके मुताबिक तो अगले दिन दो हफ्ते मजीद हॉस्पिटल जाना था बाबा उनका इस हालत में हॉस्पिटल से जाना बहुत खतरनाक है तो फिर हम क्या कर सकते बाबा मेरे साथ चले हम मामा को तलाश करेंगे तलाश कब तलाश करोगे उसे मुझे उसके गांव का पता है मैं मिली थी उससे वहां एक बार कहीं से उसके घर का पता चल जाएगा वो तो ठीक है बेटा लेकिन देखो इस वक्त कितनी रात हो गई है
सुबह से ले चलेंगे। अब न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं आपने तो नहीं उससे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने बोला उससे क्या कहना था बेटा। खाए मेरी कसम। मेरे बाबा ठीक कर रहे थे? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? प्लीज ऐसे मैं सोचते बैठा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं चलूंगा सुबह, आई प्रॉमिस, बल्कि हम तीनों चलेंगे। ये जगह और तो कहा नहीं, इसी से हम नाटक लगा ली। फिर भी सर, फिर ये बताओ क्या खाएगा क्या पिएगा? देखो सर, मैं शहद के लिए आई माफ कर दी। वो जरा जो है हम उसको माफ कर देगा, ये पता नहीं था। अगर पुलिस मेरे पास आ जाए तो ठीक है ना? यह जरूरी है, वो लड़की आप हमारा भेज नहीं कर सकते। तो फिर तुम गुले और शहाब की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए? यह कभी भी तुम नंबर मेरा अंशा से जाके बोल दो कि हमारा आदमी छोड़ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारा और मेरे अंशा का मामला है, मेरे से कोई रास्ता नहीं। हमको पता है कि तुम डॉक्टर शाह को पसंद करती हो, तो उसका जान बचाना चाहते हो। मेरा शाह से बोल दो कि वो हमारा सुलह को दूसरी न समझे, ये काम तुम कर सकते हो। शुरू में तो यकीन नहीं है मेरे चेहरे का रंग। Thank you.
क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम डरती क्यों? हम तुमको लेने आ रहा हूँ। शाम में अकेले में बात कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। तुम ये सवाल कर रहे हो? तुमने अखबारों को पढ़ लिया होंगे, जानती हो ये सब कुछ क्या हो गया? शहाब, मैं समंदर खान के डेरे पे गई थी। क्या ये सब कुछ जानते हुए भी कि समंदर खान कितना खतरनाक आदमी है? वो तुमसे सुलह करना चाहता है। सब उसकी एक चाल है। नहीं, ना वो गुले से शादी करेगा, ना ही वो तुम्हें कुछ कहेगा, बल्कि वो समझौता करना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? यही बात मीरन ने उससे कही थी, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं। क्या? हम दोनों हमेशा के लिए इससे कहीं नहीं चले जाते। तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारे साथ में सब कर लो। तुम मुझसे बात करके चाहे कुछ भी हो जाए तो अपने इलाके में छोड़ दो। लेकिन सब बात बहुत उलट चुकी है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम समंदर खान से सुलह कर लो। देखो, अब सब मामले मीरन शाह ने अपने हाथ में ले लिए, उसने अपना बहुत कुछ दाव पे लगा दिया। कैसे की बात करते हो? कितने डॉलर चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम इस पैसे को मेरी बेटी को पाना दी? तुम जानती हो तो बेटी बोले दिल दूंगा। तलाक देते वक्त ये सोचा होता अब तक गुजर गया है। मैं तुमसे दिल ले जाऊंगा, तो अपनी बेटी को भूल जाओ। तुम कौन हो? तुम मुझे ये क्यों आ गए? मैं बताती हूँ कि कौन होता है। तुमने तो मुझे जीते जी जानों में बिखेर दिया। ऐसा भी था जिसने मुझे मेरे दुख में सहारा दिया। मारिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? बताओ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी नहीं पहचाना। समझा तुम? मेरी दोस्ती का मेरी कमजोरी मत समझाता। मेरे हाथों में सिर्फ एक नंबर चाहिए तुम्हारा तुम्हारी देखभाल तक पहुंच सके। मुझे अगर मैं खामोश हूँ, किसी की वजह से खामोश हूँ। चार दोस्तों, एक बात कान खोल के सुन लो अरबाब खान, कानून और अदालत मेरी साथ है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा, मैं सही रहूंगा, मैं सही रहूंगा। मैं
लेकिन लेकर जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बेटी से छुपा नहीं कर सकती। कोई दुनिया में सब न सभी हो जो मुझे अपनी बेटी से छुपा कर सके। अपने कपड़े को उतार आपने पाकिस्तान में आप नहीं सुधर जबकि राम मैंने समझाई शाम पता नहीं हमारे जैसे कितने लोग हैं जहाँ पर यह अपने सर सर मैं इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती हूँ। क्या मतलब? और बाप ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। देखो अब आप क्या वो तो अपनी बेटी लेकर आते हैं। सर मैं मर्दों के गुलामी से निकलना चाहती हूँ, आजाद होकर कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना हो तो इस तरह की आजादी की क्या जरूरत है? सर मैं अपना पपेट ग्रुप बनाया है, सारी दुनिया में खोलना चाहता हूँ। पूरी दुनिया से कितने इन्विटेशन आते हैं पपेट के लिए, हमारे से कोई भी नहीं छोड़ता। मैं तुम जब चलो मैं तुम्हें जा सकता हूँ। मेरे को सुन सब ठीक तो है ना? सर मैंने फैसला किया। देखो जो भी फैसला करो जज्बात में ना करना। क्यों? जज्बात कोई बुरी चीज होती? सर जज्बात ही होने तो इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है। ये बात दुरुस्त है लेकिन फिर भी जज्बात ही होना अच्छी बात है। लेकिन सर जब तक इंसान किसी के बुलावे में होता है अपनी मर्जी का कोई कदर नहीं कर सकता। तो मैं चलना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। अच्छी बात है लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि तुम आती ना अभी तुम अपना थिएटर ग्रुप बनाने की तैयारी करो। देखो अपनी बच्ची लेने के लिए आया हुआ है। हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है तुम लोग मेरी बच्ची मुझे छीन के ना ले जाए। मैं भी क्या कहा था मेरी अपार्टमेंट में चल के आओ ऐसे भी तुम यहाँ आके नहीं हो। नहीं वहां तुम्हारे शौहर है और बाहर ना होगी क्या हुआ बहुत जंगल तुम ऐसे करो मैं ये किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ फिर मैं दोनों सीट पर जाऊंगा। वो तो ठीक है लेकिन तब तक कोई और अपार्टमेंट ढूंढना होगा। अरबाब को इस जगह का पता है और शायद उसके पास चाबी भी है। तुम ही क्यों हो अरबाब किसी कानून के तहत नहीं कर सकता। थोड़ी देर कोशिश करेगा फिर उसे वापस भी तो जाते हैं और फिर कब तक ही रहे। मेरे ख्याल है असर है मंदिर नहीं आ सकते। मुझे मेरी बात सुनो मैं तुमसे कुछ नहीं चलता मैं से मेरी बेटी दिखा दो मुझे मेरी सबसे दे दो प्लीज। नहीं तुम्हारा मेरे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा तुम उसकी बेटी से भी नहीं मिल सकते।
ये मेरा कानूनी हक है, मैं उससे मिल सकता हूँ। जो कुछ कहना है जाके अदालत के लिए समझे। मैं प्लीज तुम तो इस एक नजर देखिए, सालों में नहीं बुला सकोगे, अब जाओ, लेकिन मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम भी देख लो, जहां भी जाएंगे वहां पानी डर दूंगे। छोटी को देखिए सीखे तुमसे क्या बात करती है? वो समंदर खान के आदमी को रिहा करने के लिए आई। और कोई बात नहीं किया उसने? कौन सी बात? हमारे बारे में नहीं? तुमने उसको बताया हम इधर से कोई दूसरा मंदिर जा रहे हैं? अभी तक तो नहीं बताया, वैसे बताने की जरूरत भी नहीं। उनको डर लगा, तो पता नहीं तुमसे क्या बात करेगा। आसानी से पास के मैगी ले रखी थी। यहाँ अंदर जो औरतें रहती हैं वो तो मुझसे शिकायत नहीं है। मतलब ये कि जेल को सनान खाने का नाम दिया गया। यहाँ का यही रिवाज था। उनका ख्याल ऐसे ही थी। हम भी तो लगता है कि उम्र कैद का सफर तय करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ उनका अच्छी बड़ी आजादी और क्या? मेरे साथ मौत लगी हुई है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मौत तो हर वक्त हर इंसान के साथ होती है, लेकिन ये मौत ऐसी है जो मेरे अंदर है, मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं Thank you.
Yeah, but this is secret to him that this is in the camp or on his bed. Listen, the job which you want to be carried out can be done better by woman. Okay, love. I want my child to be kidnapped by day after tomorrow so that I can catch the plane. I'll give you the actress and what time is up, Maria? Maria? She's my ex-wife. But listen, no complications, okay? Relax, Mr. Abad. I'm the best in this world. This is not the first time when I kidnapped someone. And, Mr. Abad, it will cost you money. Yeah. How much money? $3,000. Half now, half on completion of the job. $3,000 is a lot of money. $3,000? Find someone else. Okay, okay. Wait. Definitely advance, and we'll see you here for at 6 o'clock, with the children, okay?